एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों के घर साथ साथ थे। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े थे, बड़े थे, खेले थे और हमेशा दोनों साथ ही रहते थे। ऐसे ही बीतते समय के साथ एक दिन, अल्ले मोटू, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, मैं तुझे एक बात बता दूं, मैं तुझसे ही शादी कर लूंगा। अल्ले पतलू, तू चिंता क्यों करता है, मैं तुम्हारी अमानत हूँ, मैं तुमसे ही शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारी हूँ, शिल्फ उल शिल्फ अपने पतलू की है मोतू। हाँ मोतू, मैं चाहता हूँ हम हमेशा साथ लें और हमेशा अच्छे दोस्त बन कर लें। अगर तुम्हारी शादी और जगह हो गई तो हम दोनों फिर ऐसे जुदा हो जाएंगी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, मोटू और पतलू बड़े हो जाते हैं। पतलू तो बहुत स्लिम और स्मार्ट था, लेकिन मोटू मोटी हो जाती है। अरे पतलू, तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि हम दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे, तो मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तुम घर वालों को भेजो ना मेरे घर। वेट वेट वेट, क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? ओ वाह, क्या अमेजिंग बात की है तुमने। मोटू, तुमने खुद को देखा है, कितना ज़्यादा मोटी हो और मैं इतना हैंडसम हूँ। एक हैंडसम लड़का एक मोटी लड़की से शादी क्यों करेगा, पागल हो क्या? लेकिन पतलू, तुमने मुझसे कहा था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ओहो भाई, अगर मैं इतना हैंडसम हूँ तो तुम्हें मुझसे प्यार होगा ही। अब मुझसे 8 लड़कियाँ शादी करना चाहती है तो 8 से कर लूँ, जाओ यार। तुमने सिर्फ इसलिए मेरा दिल तोड़ा, सिर्फ इसलिए, इसलिए कि मैं मोटी हूँ, इसलिए स्मार्ट नहीं हूँ, अब मैं बहुत मेहनत करूँगी। यार ये मोटू भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्त रहे, पता नहीं क्यों दोस्ती को रिश्ते में बदलने पर मजबूर है। हाँ, कहा होगा कभी बचपन में कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बचपन की बातें कौन भला याद रख रहा है, जैसे ये रख रही है, अजीब लड़की है भाई, मुझ पर तो 8 मरती हैं और 8 आएंगी, 8 जाएंगी। ऐसे ही बहुत सारा समय बीत जाता है और फिर पतलू की नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है। ओ हाँ, ये तो वही है मेरे सपनों की रानी, मैं तो इससे ही शादी करूँगा। हे ब्यूटीफुल गर्ल, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह वाह मोटू, तुम भूल गए वो बातें, तुमने ही कहा था कि तुम एक मोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहते, मैं वही मोटी लड़की हूँ। ये सुनकर पतलू हैरान रह जाता है और मोटू को पहचान लेता है। एक्सक्यूज मी, मुझे रास्ता देना, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मोटू का बॉयफ्रेंड जॉन था और जॉन ने ही इतनी मेहनत में उसकी मदद की थी। दोस्तों यार, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे मोटू के साथ वैसा नहीं करना चाहिए था, वो जैसे भी थी मेरी दोस्त थी। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।